उनका शुक्र हो आज के इस वक्त के लिए जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम खुदावन की हजूरी में जमा हो सकें और आज की शाम खुदावन की खिदमत में मौजूद होते हुए हम इस खूबसूरत नए काम का आगाज़ कर सकें। इसराइल सेंटर जिसका मकसद यह है कि कलीसिया की बेटियां और बहनें वो अपने रोज़गार को हासिल कर सकें, और इससे पहले कि हम इस खूबसूरत काम का आगाज़ करें हम खुदावंद के हुज़ूर में हाज़िर होते हुए उसकी शुक्रगुजारी के साथ आज के दिन में इस काम का आगाज़ करेंगे, ताकि हमारे इस काम पर जो हम इस ज़मीन पर शुरू करते हैं खुदावंद की बरकत हो और खुदावंद का नाम इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाए। मेरे अज़ीज़ो, हमें इस बात के लिए खुशी है कि खुदावन इस कलीसिया को रोज़ बरोज़ बरकत दे रहा और खुदावन इस खिदमत के काम को आगे बढ़ा रहा है। मैं यहाँ पर शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन के बंदा मोहतरम बिशप अब्राहम डैनियल साहब का, उनकी मिसेज़ सारा डैनियल का, जिन्होंने इस खिदमत के काम में हमारे लिए इन तमाम वसाइल को इस जगह पर मुहैया किया, और इसके साथ अपनी बहन मिसेस अलवीना यूसुफ का, जिन्होंने इन तमाम अशिया को ख़रीदने के लिए फाइनेंशियली तौर पर मदद की। खुदावन उन्हें भी बरकत दे, और आज के दिन में हम इन ज़िंदगियों के लिए शुक्रगुजार हैं। हम इबादत का आगाज़ करेंगे, और इबादत का आगाज़ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम के वसीला से किया जाता है। और इबादत के आगाज़ में हम कलाम मुकद्दस में से तलावत को अपने लिए करेंगे। ज़बूर की किताब में से ज़बूर 98 उसकी चंद आयात की तलावत की जाएगी। पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है, उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की है। उसने इसराइल के घराने के हक में अपनी शफकत और वफादारी याद की है। इंतहाए ज़मीन के लोगों ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम अहले ज़मीन, खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदावंद की सितायश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज़ से। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे, आमीन। आइए अपनी आंखों को खुदावंद के जुर में बंद करें, अपने सर खुदावंद की जुरी में झुकाएं और दुआ करें। आज के इस वक्त के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, और मेरी इल्तमास है कि हम चंद लम्हात खामोशी और संजीदगी में अपने अपने दिलों में खुदावंद से दुआ करते रहें।
हम अपनी आँखों को खुदा के हुज़ूर में बांध रखेंगे, अपने सर झुकाए रखेंगे और मेरी दरख्वास्त है बहन खुशनूद से कि बराए मेहरबानी वो सामने तशरीफ़ लाएँ और दुआ करने में हमारी रहनुमाई करें इस बड़े काम के लिए जो आज हम कलीसिया में करने वाले हैं, बहनों और बेटियों के लिए जब हम मुफ्त सलाही सेंटर का इफ्तिताह करने वाले हैं। तो दुआ करेंगे कि खुदावंद इसकी सारी ज़रूरियात को अपने लाई खजाना से पूरा करे। आएँ अपने सर झुकाएँ और खुदावंद से दुआ करें। आप तेरा शुक्र करती हूँ दिल और दिल के गहराइयों से खुदा बाप कि तूने मौका दिया हम सारे मिलकर तेरी इबादत तेरी परस्तिश कर सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली ज़िंदगियाँ ठहर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करती हैं इस घड़ी मौका के लिए खुदावंद, इस नए प्रोग्राम के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। जो आए खुदावंद आज जिसका इख्तिताम होने वाला है खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। जितनी बहनें और बेटियाँ खुदावंद इस काम में खुदावंद हिस्सा लें खुदावंद उनके साथ होना, टीचर्स के लिए दुआ करती हूँ जो भी सिखाए खुदावंद उनके साथ भी होना, बड़ी बरकत देना सेहत तंदुरुस्ती देना खुदावंद। बिशप साहब के लिए बाजी के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ जो उन्होंने खुदावंद ये प्रोग्राम शुरू किया है खुदावंद, उनको बड़ी बरकत देना और सेहत तंदुरुस्ती देना खुदावंद। इसी तरह खुदावंद वो काम करते रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें खुदावंद। जितनी जिंदगियाँ यहाँ मौजूद हैं एक एक ज़िंदगी को छूना और ब्लेस करना, बरकत देना, सेहत तंदुरुस्ती देना। तेरे खादिम के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ जो दूर से चलकर हमारे पास हैं खुदावंद। आज का जय खुदावंद जिंदा मुकद्दस कलाम सुने, तेरे मुंह की बातें सुने खुदावंद, उस पर अमल करने वाली जिंदगियां ठहर जाएं। एक एक जिंदगी के साथ होना, बड़ी बरकत देना और सेहत तंदुरुस्ती देना। मेरी इस छोटी सी इल्तिजा को सुनना और कबूल करना मांगते अपने प्यारे खुदावंद यस्सुल मसीह के जलाली बाबरकत नाम से, आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद की सितायश में अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और कलीसिया में चूँकि इस वक्त बहनें मौजूद हैं, बहनों की तादाद ज़्यादा है, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और प्रस्तिश में हिस्सा लें ताकि खुदावंद के नाम को हमारी ज़िंदगियों से जलाल मिले। और वो बहनें जो अभी तक अपने घरों में हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त और इल्तमास है कि मेहरबानी से आप भी इस इबादत में आएं और शरीक हों ताकि आप सबके साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। वो बहनें जो चर्च में मौजूद हैं, मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा खुला होकर बैठें ताकि गर्मी भी आपको ना लगे। चर्च में काफ़ी हमारे पास स्पेस होगा क्योंकि आज भाई हमारे साथ नहीं होंगे, तो आप इस तरह भी बैठ सकते हैं लेकिन खुले होकर बैठें ताकि आप गर्मी से महफूज रह सकें। हमारे मौजूद मेहमान अब से थोड़ी देर के बाद वो हमारे दरमियान में मौजूद होंगे, तो हम खुदावंद की सितायश खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। ज़बूर 103 गाएंगे और मैं बताना चाहता हूँ कि इसी बीच लाउड स्पीकर को बंद किया जा रहा है। आप सब जो अपने घरों में रहकर आवाज़ को सुन रहे हैं, आप जल्द खुदावंद के घर में आएँ। तमाम बहनों और बेटियों से दरख्वास्त है कि वो खुदावंद के घर में आएँ ताकि खुदावंद की प्रस्तिश में वो हमारे साथ शामिल हो सकें। जितने भी इस वक्त बहनें घरों में मौजूद हैं, बेटियां घरों में हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त और इल्तमास है कि आप ज़रूर खुदावंद के घर में आएँ ताकि आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें और हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद की सिताइश में हम ज़बूर 103 गाएंगे। तू आख ऐ मेरी जान मुबारक खुदा है, ते उसे दा ही ना पवित्र सदा है। आखे मेरी जान मुबारक खुदा है, ते ओ से दाही नाम पवित्र, ते ओ से दाही
नाम पवित्र सदा है तुआ कदी ना भूल बख्शीशा ओ दिया तू कै मेरी जानू बार खुदा तू कै मेरी जानू बार खुदा तू कै मेरी जान ए सारे हम सब अपनी आंखों को एक मर्तबा फिर खुदावंद की हुज़ूर में बंद करेंगे, अपने सर खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे और आज के इस बाबरकत दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे जो खुदावंद इस कलीसिया में लेकर आया कि आज के दिन में हम एक नए खिदमत के काम का आगाज़ कर सकें। और इसका मकसद जो ये है कि कलीसिया में बहनें और बेटियाँ वो बरसरे रोज़गार हो सकें, वो हुनरमंद बन सकें। हम इस नेक मकसद के लिए और इसकी इस वक्त में
खुदावंद के हुजूर दरख्वास्त रखने के लिए मौजूद हैं कि खुदावंद इस काम को बाबरकत बनाए। तो मेरी इल्तमास है कि हम सब अपनी आँखों को खुदावंद के हुजूर में बंद करेंगे, अपने सर झुकाएंगे। इस वक्त जमात में से दो दुआएँ खुदावंद के हुजूर में की जाएंगी। पहली दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है बहन ज़ोरा से। बहन ज़ोरा जमील, वो सामने आएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आज के इस वक्त में जब बहुत सी बहनें इस जगह पर जमा हैं और ख़ास तौर पर अपनी बहन के लिए, बहन ज़रीना के लिए, जो इस जगह पर सिखाने के काम का फ्रीज़ा सर अंजाम देती हैं, उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन अपनी बेटी को बड़ी बरकत दे और जब वो सिखाती हैं तो तमाम ज़िंदगियां बेहतर तौर पर सीखें और वो इस काम को सीखते हुए अपने ख़ानदानों के लिए तरक्की का बायस ठहरें। आए अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए उसके आगे झुकें। जिंदा आसमानी जलाली बाप, एक बार फिर तेरे कदमों में है, शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारे ज़िंदगी में आज के दिन बख्श दिया। ऐ खुदा खुदा, गुजरे हुए वक्त के लिए ऐ खुदा खुदा तेरा शुक्र करते हैं जो लम्हा बलम्हा हमारे साथ रहा। ऐ खुदा खुदा, अपने घर में आने का मौका बख्शा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। ऐ खुदा खुदा, हम तेरी परस्तिश करते हुए, तुझे धन्यवाद कहते हुए तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदे के लायक बाप है। ऐ खुदा खुदा, आज के इस दिन के लिए शुक्रगुजार हैं हम, तेरे आगे झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आज के दिन हमने अखदा वखदा एक नए प्रोग्राम का आगाज़ करने वाले हैं। अखदा वखदा, तो हम सब बहनों के साथ हो। अखदा वखदा, तेरे खादिम के लिए शुक्रगुजार हैं कि जो तूने उनको जहन में ये बात बिठाई कि बच्चों को ये हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में किसी हुनर को सीख सकें। अखदा वखदा, तुझसे मांग लेते हैं कि अपने बिशप साहब के लिए और उनकी मिसेस के लिए, अखना खुदा, जो इतनी दूर से उन्होंने हमारे दरमियान में आना है, उनके आने में बड़ी मदद करना। अखना खुदा, उनको अखना खुदा सेहत और तंदुरुस्ती अता की, तेरा ही शुक्र करते हैं। अखना खुदा, आज के इस दिन में जो टीचर्स के लिए अखना खुदा जो भी मुकर्रर हों, अखना खुदा, उसके शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे लिए टीचर का भी इंतज़ाम किया। अखना खुदा, जो ये खिदमत सर अंजाम दें, उनके साथ होना और उनको बड़ी बरकत देना, जो भी खिदमत करें अखना खुदा, हुनर को आगे बढ़ाने वाले अखना खुदा, जो भी हुनर को आगे बढ़ाएं और हमको तालीम दें अखना खुदा, उसके वसीला से टीचर। और इस दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और दुआ करें कि जो काम आज शुरू किया जाता है, इस काम के ऊपर खुदावंद की ख़ास बरकत हो और वो ज़िंदगियां जो सीखती हैं वो बेहतर तौर पर सीखें और हमारी बहनें और बेटियां वो हुनरमंद बनकर अपने ख़ानदानों की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। कदूस 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 जिंदा चलाली आसमानी बाप, मैं आपकी शुक्रगुजार आगाज़ हुआ है खुदा बाप, इसमें खुदा बाप जिन्होंने हेल्प की और खुदा बाप जो सिखाना चाह रहे हैं खुदा बाप, ऐ खुदा बाप उनके साथ होना खुदा बाप, अपनी बरकत से नवाजना ऐ खुदा बाप, उनके रुपये पैसे में कमी देना भरपूर खुदा बाप, उनके साथ होना, उनको अपने साथ चलने का बारी फजल अता करना और खुदा बाप ख़ास तौर पर खुदा बाप जो सीखें ऐ खुदा बाप उनके जहनों को रोशन करना ताकि खुदा बाप वो आप में बढ़े और तरक्की हासिल करें। ऐ खुदा बाप टीचर्स के लिए दुआ मांगते खुदा बाप जो मुकर्रर किए जाएं, ऐ खुदा बाप उनके साथ होना खुदा बाप, ऐ खुदा बाप उन्हें फहम देना, अकल देना ताकि खुदा बाप वो अच्छे तरीके से सिखाने वाले बन सकें। ऐ खुदा बाप जब वो अपने घर को छोड़ कर खुदा बाप यहाँ पर आएँ तो खुदा बाप सिर्फ आपके नाम को जलाल मिले और खुदा अच्छे तरीके से खुदा वो जिनको जो सीखें खुदा अपने गाइड करने वाले बन सकें। खुदा बाप आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप, एक दफ़ा फिर मिन्नत करती हूँ और आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप इस दिन के लिए, खुदा बाप जो आपने लंबे अरसा के बाद हमारी ज़िंदगी में अता कर दिया, खुदा बाप हमें सीखने सिखाने के सारे अमल में बरकत देना, अकलो दुनाई देना, फहम की रूह देना ताकि खुदा बाप हम आप में बढ़ें और तरक्की हासिल करें। खुदा बाप आज की शाम खुदा बाप हमारी ज़िंदगी के लिए बाबरकत शाम हो। खुदा बाप आज के दिन में हम बहुत कुछ सीखें खुदा बाप, सिर्फ आपके नाम को जलाल देने के लिए हो खुदा बाप। ये दुआ में आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और जबूर 136 गाएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि इस बीच आप अपनी कितारों को ठीक कर लें, जो बहनें बेटियाँ पीछे बैठी हैं वो इस तरफ आ जाएं, भाइयों ने नहीं आना, आज का दिन आपका ही दिन है, आप ज़रा खुले होकर बैठें और खड़े हों, लाइनें अपनी कितारें जो उसको दुरुस्त करें और हम खुदावंद की सितायश में
जबूर 136वां गाएंगे। क्वायर की जो बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, बहन खुशनूर जो है वो रहनुमाई करेंगी, और इसी तरह खंजरीब जाने में भी कोई बहन रहनुमाई करे ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दें। जबूर 136 गाएंगे, शुक्र यहोवा दाही करो। और इसी जबूर में मोहतरम बिशप साहब हमारे दरमियान में मौजूद होंगे। आपसे इल्तमास है कि जब वो आते हैं तो हम ऐसी तरह अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और खुदा की सिताइश करते रहेंगे। जबूर के बाद दुआ की जाएगी, दुआ के बाद बिशप साहब सामने आएंगे और हम उन्हें वेलकम करेंगे, और उसके बाद हम बाहर जाकर इफ्तिताहिया जो तकरीब है उसको शुरू करेंगे। जबूर 136 खुदा की सिताइश में गाएंगे। शुक्रिया वादा शुक्र करा तुझियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा शुक्र करो तुझियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा क्यों जाया अपना
अब हम खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ते हुए जबूर 24 गाएंगे। रब खुदावन बादशाह है और जलाल बादशाह है, रब खुदा बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। आज के दिन के लिए खुदावन का शुक्र हो जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। मैं आज के दिन में मोहतरम बिशप साहब को, उनकी मिसेज़ सारा डैनियल साहिबा को, उनके फर्जंद बेटे विलियम इकराम डैनियल को,
और इसी तरह पास्टर पीटर साहब, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पास्टर पीटर इमरान साहब, उनकी मिसेज, वो आज पहली मर्तबा हमारे साथ इबादत में शरीक हैं। मैं मिसेज नायला पीटर साहिबा को भी इस प्रोग्राम में और ख़ास तौर पर शालूम सराई सेंटर के इस इफ्तिताही तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह मेरी मिसेज भी, वो भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी, अपने बेटे को भी, और ख़ास तौर पर आप सबों को, आप बहनों और बेटियों को जो इस जगह पर मौजूद हैं, आप सबों को खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हम ज़ोरदार तालियाँ खुदावंद के जलाल की बजाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहतरम बिशप साहब, हम उनके लिए दुआ करते रहे। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि बिशप साहब को खुदावंद ने एक नई ज़िंदगी अता की, और आप जानते हैं कि हम सब यहाँ पर दुआ करते रहे। कितने लोग आज बिशप साहब को चर्च में देखकर खुश हैं, अपना हाथ दिखाएं और तालियां बजाकर हम उन्हें खुश आमदीद भी कहेंगे। खुदावंद ने अपने बंदा को एक नई ज़िंदगी बख्शी है, और इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। तो आज हम उनको खुश आमदीद कहेंगे कलीसिया में बाकायदा तौर पर, और इबादत तो जारी है, लेकिन अब बिशप साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे और उसके बाद हम कलाम सुनने की जानिब बढ़ेंगे। मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा मोहतरम बिशप साहब से कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ, और इसी तरह उनकी मिसेज़ सारा डैनियल साहिबा वो सामने तशरीफ़ लाएँ, और बहन खुशनूद से दरख्वास्त है कि वो मिसेज़ सारा डैनियल साहिबा को, और इसी तरह बहन ज़्यादा कैसर वो बिशप साहब को माला पहना कर कलीसिया में खुश आमदीद कहेंगे। मोहतरम बिशप साहब से दरख्वास्त है कि सामने तशरीफ़ लाएँ। बेटा तालियां बजाते रहे साथ साथ। जोरदार तालियां बजाएं जी, बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। आज की इस इबादत में जब हम इबादत के लिए मौजूद हैं, तो बिशप साहब, उनके मिसेज जो हैं, वो आप सबों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी के तौर पर मिठाई भी लाए हैं। जब हम सिलाई सेंटर का इफ्तिताह करेंगे, वहाँ पर दुआ करेंगे, तो उसके बाद हम इस खुशी में भी शरीक होंगे। मेरी इल्तमास है आली जनाब पादरी पीटर इमरान साहब से और उनकी मिसेज नायला पीटर साहिबा से कि वो भी हम सामने तशरीफ़ लाएँ। हम उन्हें भी आज इस प्रोग्राम में और कलीसिया में खुश आमदीद कहते हैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों में, और उनको माला पहनाने के लिए मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि बहनों का प्रोग्राम है तो बहनों की जानिब से बहन मुकद्दस वो सामने तशरीफ़ लाएंगी, वो मिसेज नायला पीटर साहिबा को माला पहनाएंगी। बहन मुकद्दस आप सामने आ जाएँ, और इसी तरह मेरी दरख्वास्त है बहनों में से, बेटियों में से, नौजवान बेटियों में से बेटी अलिशमा मंजूर वो सामने आएंगी और पास्टर पीटर साहब को माला पहनाएंगे जी। जल्दी से आ जाइए। तालियां बजाते रहें जब तक माला नहीं पहनाई जाती। हमारे दरमियान बिशप साहब के फर्जंद, वो भी खुदावंद ने बिशप साहब को और उनके ख़ानदान को इस बड़ी वबा के इस हमला में महफूज रखा, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। तो मेरी दरख्वास्त है बेटे विलियम से कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और उनको माला पहनाएंगी हमारी सन्डे स्कूल टीचर हैं मिस सना गनी, वो सामने आएँ और बेटे विलियम को कलीसिया में खुश आमदीद कहें। आप सबकी भरपूर तालियों ने बहुत शुक्रिया। खुदावंद बरकत दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मेरी इल्तमास है मिसेज अंबर आर्थर साहिबा से कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करने में हमारी रहनुमाई करें, ताकि खुदावंद के खादम मोहतरम बिशप साहब आज जो कुछ भी कलाम इसे सुनाएँ वो हमारे लिए बाबरकत हो। मेरी दरख्वास्त है मिसेज अंबर आर्थर साहिबा से कि वो इस दुआ को करने में हम सब की रहनुमाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस दुआ में शरीक होंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।
कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़ाज़ आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, खुदावंद तेरे शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ तेरी हम तेरी सिफ़ारिश करते हैं आज के इस दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के तमाम नेमतों बरकतों और बख्शों के लिए। और अय खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर खुदावंद हम तेरे घर में मौजूद हैं तमाम बहनों के लिए, और अय खुदावंद खुदा आज के इस मकसद के लिए जब हम तेरे घर में मौजूद हैं तो मेहनत करते हैं खुदावंद तू हमारे साथ, और अय खुदावंद इस अच्छी सोच के लिए कि खुदावंद हम एक सिलाई सेंटर का आगाज़ करने को है, तो आए खुदावंद ने सोच के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज आए खुदावंद तेरे जब आए खुदावंद खादमीन यहाँ मौजूद हैं बिशप साहब के लिए ख़ास तौर पे तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ उनकी सारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, और मेहनत करती हूँ खुदावंद आज जब वो कलाम हमारे लिए लेके आए हैं हमारे दिलों और सोचों को आए खुदावंद खुदा अभी से अपने कलाम के लिए तो तैयारी बख्श दे, ताकि आज हम जो भी कलाम सुनते हैं उसको सुनने सीखने समझने वाले और उसको अपनी ज़िंदगी में जगह देने वाले हों। एक एक बहन एक एक बेटी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो यहाँ मौजूद हैं, तो हम सब के साथ हो, और आए खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तो हम सबको बड़ी बरकत अता फरमा। मैं इस मन्नत और इल्तिजा को सुनो कबूल कर तेरे ही नाम से मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। अब हमारे लिए वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम की तलावत को सुने, और कलाम मुकद्दस की तलावत हमारे लिए पादरी पीटर इमरान साहब करेंगे। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ और कलाम मुकद्दस की तलावत करने में हम सब की रहनुमाई करें। मसीह में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं इस मुबारक वक्त और मौका पर जब खुदावंद ने आपकी कलीसिया को आपके चर्च को ये तौफीक अता फरमाई, और आली जनाब बिशप साहब के लिए और बहन सारा डैनियल के लिए उनके लिए खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूं जिनकी मेहनत और कोशिश के वसीला से ये मुमकिन हो सका कि आज गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च हड़प्पा में एक बहनों के लिए सिलाई सेंटर का आगाज़ किया जा सके। सो इस मुबारक वक्त और मौका पर हम कलाम खुदा में से चंद आयात अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। हमारे लिए आज की तलावत अहद अतीक में से इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक तलावत किया जाता है। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, वो सौदागरों के जहाज़ों की मानद है, वो अपनी ख्वारिश दूर से ले आती है, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे ख़रीद लेती है, वो अपने हाथों के नफ़ा से ताकिस्तान लगाती है, वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है, वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता, वो तकले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं, वो मुफलसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, हाँ वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है, वो अपने घराने के लिए बर्फ़ से नहीं डरती क्योंकि उसके ख़ानदान में हर एक सुर्ख पोश है, वो अपने लिए नगरीन बालापोश बनाती है और उसकी पोशाक महीन कतानी और अर्गवानी है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। जैसा कि आपको ये प्रोग्राम बताया गया है कि हम शुक्रगुजारी करने के बाद और कलाम मुकद्दस को सुनने के बाद बाहर जाएंगे और वहाँ पर दुआ करके हम अपने सिलाई सेंटर उसको शुरू करेंगे, तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सुने मेरी दरख्वास्त है मिसेज सारा अब्राहम डैनियल साहिबा से कि वो आज की शाम पैगाम से पहले इस काम के लिए और इस बड़ी खिदमत के लिए जो यहाँ पर आज के दिन में शुरू की जा रही है इसके बारे में बताएं, और बहनों और बेटियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं वो चंद अल्फाज जो अदा करना चाहती हैं वो अदा करें। आप सबकी भरपूर तालियों में खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ मैं आज के दिन के लिए, ख़ास तौर पर आज यहाँ पर मौजूद होकर और
जिस तरह से अभी पास्टर आर्थर साहब बता रहे थे और अंबर भी दुआ में कह रही थी कि खुदावंद का हम शुक्र अदा कर सकते हैं बिशप साहब के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के लिए, और तंदुरुस्ती की हालत में आज हम यहाँ पर आए हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बड़े मकसद के लिए, इस नेक काम के लिए जो हम काफ़ी अरसा से सोच रहे थे कि एक सिलाई सेंटर जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाए पास्टर आर्थर के लिए। मैं चाहूँगी कि वो अपनी जगह पर खड़े हों, हम बहुत सारी तालियाँ उनके लिए बजाएँगे। और मैं चाहूँगी कि पास्टर आर्थर आप यहाँ पर आएं, अंबर और छोटा बेटा, तो हम उनको भी हार पहनाएंगे। पास्टर पीटर साहब आप ये दोनों हार लेकर आएं, और विलियम आप ये एक हार जो है ये मुझे दें। बहुत सारी काम छोटा लगता है देखने में, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स होती है। जब से हमने इस काम को सोचा और शुरू किया है, पास्टर आर्थर साहब मेरे साथ साथ इस काम में शामिल हैं, और अभी 2-3 दिन पहले पास्टर पीटर साहब और आर्थर और मैं बिशप साहब हम चारों ही जब ये मशीनें ख़रीदने के लिए वहाँ पर गए तो बहुत गर्मी थी, तो हम बहुत सारी तालियों में मैं चाहूँगी एक एक हार उनको भी दें। हार पहनाने चाहिए, ज़रूर पहनाने चाहिए। छोटा बेटा अब्दिल जो है कहाँ पे, अब्दिल कहाँ पे, जी इस सारे काम में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो होती हैं वो घर वालों की शामिल होती हैं, इसलिए बहुत सारी तालियाँ हम अंबर और अब्दिल के लिए बजाएंगे जो आपके पास्टर साहब को वक्त देते हैं यहाँ पर आने के लिए और खुदावंद की खिदमत के लिए। गॉड ब्लेस इस काम के लिए, जिस तरह से पास्टर साहब ने आपको बताया होगा, और मुझे अभी पता नहीं है कि यहाँ पर वो टीचर, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है। जी बहन सरीना आपको भी हम वेलकम कहते हैं और शुक्रगुजार हैं आपके भी कि आपने इस खिदमत के लिए अपने आप को मुहैया किया है। सो हमारी खुदावंद से दुआ है कि आप भी जितनी एफर्ट करेंगी, ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता है, ये खुदावंद की खिदमत है और उसके नाम को जलाल देने के लिए। जितनी भी बहनें यहाँ से सीखेंगी ये सिर्फ आपके लिए है और इस कलीसिया के लिए है। खुदावंद आप सबके साथ हो और यहाँ से जो कुछ भी आप सीखें आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आए, हमारी ये दुआ है। और भी आने वाले दिनों में जो भी काम हम कर सकें खवातीन की बेहतरी के लिए वो ज़रूर करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। और खुदावंद के कलाम में से जो हवाला पढ़ा गया है, मेरे जहन में भी वही आयत थी जो बिशप साहब ने पढ़ी है, सो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अपने घर जाकर। इम्साल 31 बाब उसकी 22 आयत है, तो वहाँ पर जो कुछ भी बिशप साहब बयान करेंगे वो खुदावंद की मर्ज़ी और वो बयान करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इस हवाला में जैसा लिखा है कि वो महीन कतानी कपड़े बनाकर बेचती है, तो बनाकर इसीलिए कि उसको बनाने आते हैं तो बनाकर बेचती है। सो आप लोग हुनर सीखिए, ये सब कुछ आपके लिए है, सारी एफर्ट्स आपके लिए हैं और अपने यहाँ इस घर के लिए और खुदावंद के खादम पास्टर आर्थर साहब के लिए, हमारे लिए सिर्फ आप दुआ किया कीजिए। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आप सबकी मोहब्बतों में और आप सबकी भरपूर तालियों में एक मरतबा फिर इस कलीसिया में खुदावंद के खादम आली जनाब बिशप अब्राहम डैनियल साहब ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती और सलामती में मौजूद हैं, तो वो आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देंगे। मैं चाहूँगा कि हम ज़ोरदार तालियों में उन्हें इस जगह पर खुश आमदीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। मेरे लिए आज एक दफ़ा फिर ये बड़ी खुशी की बात है, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम बहनों और बेटियों के दरमियान इस कलीसिया में खुदावंद के इस घर में खुदावंद के खादम पादरी आर्थर डैनियल और आप तमाम अजीज़ों के साथ खुदावंद के नाम को मुबारक कहने के लिए जमा हूँ, और ख़ास तौर पर जब मैं अपनी मिसेज सारा, बेटे विलियम, मेरे हम खिदमत पादरी पीटर ब्रांच साहब जो कमीशन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी अहलिया हमारी बहन मिसेस नायला और पादरी साहब और उनकी अहलिया, हम सब जो मिलकर दिन और रात खुदावंद के खेत में खिदमत सर अंजाम देते हैं, जब उसका फल हमें आपकी सूरत में नज़र आता है
तो हमारा दिल खुदावंद के हजूर और ज़्यादा शुक्रगुजार होता है। और आज का दिन इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के लिए, इस सिलाई सेंटर के लिए जो कि शालोम सिलाई सेंटर के नाम से जिसका इफ्तिताह किया जा रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का इन शख्सियात के लिए जिनकी दिन और रात की मेहनत इस प्रोजेक्ट के पीछे है। और जैसा अभी मेरी मिसेस सारा डैनियल बता रही थी कि बहुत दफ़ा बाज़ार देखने को एक छोटा सा मंसूबा लगता है लेकिन उसके पीछे किसी की हफ्तों, महीनों और सालों की कोशिश होती है। आज अगर मैं यहाँ पर इंग्लैंड में अपनी बहन अलवीना का नाम ना लूँ, जिक्र ना करूँ, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। हम उनकी सारी मोहब्बत के लिए और तावन के लिए जो इस सेंटर को यहाँ पर शुरू करने के लिए उन्होंने इस चर्च, खुदावंद के खादम और आप तमाम बहनों की मोहब्बत में जो मोहब्बत और तावन दिखाया, हम उसके लिए बहन आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इस वक्त ख़ास तौर पर मैं दावत देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो रूह रवा होंगी हमारी बहन ज़रीना जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अगर एक लम्हा के लिए सामने आए तो मैं ये चाहूँगा कि हम हार पहनाकर उनको, मैं मिसेज पास्टर आर्थर डैनियल अपनी बहन अंबर को दावत दूंगा कि वो हार पहनाकर जो हमारे इस सिलाई सेंटर की सर्टिफाइड बाकायदा गवर्नमेंट से तरबियत याफ्ता और सनद याफ्ता सिलाई सेंटर को चलाने की इंचार्ज होंगी, वो उनको हार पहनाकर खुशामदीद कहेंगी। और बहन ज़रीना हमारी तमाम दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। इस सेंटर को चलाने के लिए जो भी ज़रूरत होगी और जो भी वसाइल दरकार होंगे, मैं अपनी तरफ से मिसेस सारा डैनियल की जानब से और मिशन की जानब से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो हमेशा आपको मैसर होंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी तशरीफ़ रखें जी। तो मेरे अजीज़ों, आज जो मेरी ज़िम्मेदारी है, जैसा कि आपने जो तारुफी फ्लैक्स है वहाँ पर देखा होगा, क्योंकि ये सिलाई सेंटर है तो इसका इफ्तिताह तो ख़वातीन ही मिसेस सारा डैनियल करेंगी। और इसके लिए जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई कि कलाम मुकद्दस में से वो बातें जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हैं वो आपके सामने बयान करूं, तो आज जो मैं चंद मिनट मुझे जो टाइम पादरी साहब ने बताया है इफ्तिताह का, उस हिसाब से मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, बल्कि शायद 10 मिनट है, 5 मिनट हमें जाने के लिए चाहिए होंगे। तो मैं बायलिंगुअल यानी दो मुख्तलिफ ज़ुबानों में, उर्दू में भी, और आज मेरी कोशिश होगी कि अपनी बहनों के लिए पंजाबी में भी कुछ आपके सामने बयान करूँ। ये एक कलाम मुकद्दस का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और इमसाल 31 बाब। ये मेरी भैनों पूरी दुनिया से, भावें कोई अंग्रेज़ी बोलता होवे, भावें पंजाबी, भावें हिंदी, भावें उर्दू, जड़ी भी जुबान है उदे विच खवातीन लई उन्हां दी अमली कामयाब जिंदगी लई इस तो बेहतर हवाला शायद सानू पूरी बाइबल मुकद्दस से नहीं मिलता। और अमूमन जिहड़ियां खुदाप्रस्त खवातीन ने जदों भी किते उन्हां दी इज्जत अफजाई की जाती है, जदों भी उन्हां नूं खराज अकीदत पेश किया जाता है, उदों ये हवाला पढ़िया जाता है। और जदों असीं इस हवाले नूं देखदे हां इहदे च एक ईमानदार खातून लई बहुत कुछ दस्या गया है। खास तौर पर जो असी वेखने इस लिखा है कि वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती और अपनी लौंडियों को काम देती। खुदापरस्त और मेहनती औरत, ओदी जिंदगी च सानू मेहनत नज़र आती है और मेहनत करने वाले हाथ। कलामे मुकद्दस लिखा है कि हर तरह की मेहनत में नफ़ा है मगर मुँह की बातों में महज मोहताजी है। मेहनत किसी तरह की भी कर लो वो च नफ़ा वे। अज का दौर, अज का वक्त हो वे कि जे घर से एक इजाफी आमदन नहीं आ रही, मेरी गल समझ आ रही है, मैं पंजाबी च इसलिए बोल रहा कि साड़ी सारिया भैन समझ सकन, उर्दू भी समझ लोगे या पंजाबी बेहतर है? दोनों जी बाजी, उर्दू भी समझ आ जाएगी, ठीक है।
हमारी तमाम की तमाम बहनों ने कहा जी उर्दू भी ठीक है, सो हम उर्दू में भी। वैसे तो मैं अक्सर अमरीका में बताता हूँ कि ये जो आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे गांव में रहने वाले छोटे बच्चे, आप उनको अंग्रेज़ी कार्टून या फिल्म दिखा दें, वो सारी स्टोरी आपको बता देंगे, उनको अंग्रेज़ी समझ आ जाती है। सो उर्दू भी आप समझ लेते हैं। बताने का मतलब ये है, आज का दौर ये है कि जब तक घर में एक इजाफी आमदन नहीं आ रही, हम खुशहाल नहीं हो सकते। अगर 100% हम सिर्फ जो घर का सरबराह मर्द है उसकी एक आमदन पर रहें, कितनी बहनें चाहती हैं कि आपके पास अपने अलग से कोई आमदन हो जिससे आप अपने बच्चों की, अपने शौहर की ज़रूरत पूरी कर सकें। कितनों को पता है कि बहुत दफ़ा आपका शौहर वो घर में अपने लिए शायद नया कपड़ा ख़रीदना चाहता है, या कोई जूती उसको पसंद है, या उसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते करते, घर में भाई बहनों और माँ बाप की ज़रूरतें पूरी करते करते उसके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। कितनी बहनों को ये पता है? ठीक है, आपके पास एक बेहतरीन मौका खुदावन खुदा ने इस कलीसिया और यहाँ के इंतज़ाम, इस सिलाई सेंटर के वसीला से खुदावन ने दिया है कि आप एक हुनर सीख सकें। कपड़े सीना, सिलाई सीखना, ये एक ऐसा हुनर है, जब तक इंसान रहेंगे उनको कपड़े सीने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। यहाँ पर ये लिखा है कि वो मेहनत करती है, आगे चल के लिखा है वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे ख़रीद लेती है और अपने हाथों के नफा से ताकिस्तान लगाती है। जो मेहनती औरत है वो किसी चीज़, यहाँ पर लफ्ज़ खेत है, अगर हम आज के दौर में लगाएं तो हम ये सोच सकते हैं वो किसी चीज़ की बाबत सोचती है और वो चीज़ ख़रीद लेती है। आज हम ऐसे हर एक के दिल में अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ये ख्वाहिश है और ये आरजू है कि हमारे घर में अच्छी अच्छी चीज़ें हों, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमारे बच्चे अच्छी जगह से ट्यूशन पढ़ें, उनका यूनिफॉर्म साफ़ हो और वो आला तालीम हासिल करें। ये कब होगा? जब हमारे पास एक इजाफी आमदन होगी। तो मैं आज कलाम मुकद्दस के इस हवाला में से ये बताना चाहता हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं तो खुदावंद खुदा उस मेहनत में नफ़ा देता है, वो मुनाफा बख्श होता है। लेकिन बातें हम जितनी मर्जी करते रहें, आज का दौर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से लोग बातें करते रहते हैं, उनके पास तजवीज़ होती है, कौम का दर्द होता है कि हमारे लिए ये नहीं ये नहीं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप अमली तौर पर क्या कर रहे हैं या दूसरे के लिए क्या करना चाहते हैं, तो बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। आज आपको ये नसीहत करना चाहूँगा कि खुदावंद ने जब आपको मौका दिया है तो ज़रूर इस सिलाई सेंटर में रजिस्टर्ड हों और पूरी ट्रेनिंग करें, और इसका जो तरीक़ाकार है उसमें जब ये कोर्स पूरा होगा, बाकायदा टेस्ट दिया जाएगा, आपको इदारा की तरफ से सनद दी जाएगी, और जो हमारी बहन तमाम स्टूडेंट्स में से सब में से टॉप करेगी उसके लिए एक ख़ास इनाम होगा, जो मुझे पता है, पादी साहब को पता है, मिसेस सारा डैनियल और सिस्टर ज़रीना को पता है, वो हम पहले नहीं बताएंगे। टॉप करने वाले के लिए जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, जिसकी हाज़रियाँ सबसे बेहतर होंगी, उसके लिए एक ख़ास इनाम होगा। आगे चल के लिखा है कि वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है, जो काम वो करती है वो बहुत सूदमंद फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम फ़ायदेमंद हो तो उसके लिए आपको तरबियत हासिल करना है, जितनी अच्छी आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे। आपको पता है कि शहर में जाते हैं, एक दर्जी होता है जो 300 में 500 में सूट सिल देता है, और एक दर्जी होता है वो कितनी सिलाई लेता है जो अच्छा दर्जी? 1000 रुपया। तो क्या ख्याल है, 500 वाला दर्जी बनना चाहिए या 1000 रुपये वाला? 1000 रुपये वाला। लेकिन 1000 रुपये वाला दर्जी बनने के लिए, वो वाला सूट सीने के लिए, वो कटिंग सीखना, वो हम घर पे अपनी खाला से या अपनी चाची से या अपनी भाभी से नहीं सीख सकते। वो कटिंग हम कहाँ से सीख सकते हैं? जिसके पास बाकायदा तरबियत है। कहते हैं वो फिटिंग ऐसी बना देते हैं वो दर्जी के, वैसी फिटिंग यहाँ पर किसी और से नहीं बनती, फिटिंग कटिंग से आती है। आप इस चीज़ को समझें, यह बकायदा एक तरबियत देने वाला इदारा है जहाँ पर आपको अच्छे तरीक़ा से सिखाया जाएगा। और फिर आगे चल के लिखा है 22वीं आयत में,
वो अपने लिए नगारी ने बाला पोश बनाती और उसकी पोशाक महीन और कतानी और अर्गवानी है। आगे चल के लिखा है उसका शौहर फाटक में मशहूर है, जो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है। और 24वीं आयत बहुत अहम है, 24वीं आयत आज के लिए लिखा है, वो महीन कतानी कपड़े बनाकर बेचती है और पटके सौदागरों के हवाला करती है। यहाँ पर हमें एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन वुमन का, एक बिलीवर बिजनेसमैन वुमन, अगर हम इसको BBW कहें, बिलीवर बिजनेसमैन बिजनेस वुमन, बिलीवर बिजनेस वुमन, तो BBW से हम इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर हमें उस बिजनेस वुमन का जो बाइबल में तसव्वुर है वो मिलता है। आप जब कलाम मुकद्दस के आज इस हिस्सा को सुनती हैं, मैं ना सिर्फ आपको बल्कि हमारे जो ऑनलाइन बहनें सुन रही हैं उनको भी ये नसीहत करना चाहूँगा कि अपने घर में एक ऐसा इंतज़ाम करें कि आप अपने घर में रहते हुए अपने घर के लिए इजाफी आमदन ला सकें। यहाँ पर लिखा है कि उसका शौहर फाटक में मशहूर है। शौहर कब मशहूर होता है? जब उसकी आमदन ठीक हो, वो घर की तरफ से बेफिक्र हो, जब उसका लिबास अच्छा हो, जब वो अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, एक अच्छा जूता पहनकर, उसके बाल ठीक संवरे हों, उसकी शख्सियत पुरवकार और पुरतमाद हो। ये सब कुछ तब होता है जब खातून खाना वो खुदा परस्त हो और वो मेहनती हो। एक आखिरी बात के साथ आज के पैगाम को ख़त्म करना चाहूँगा। लिखा है कि वो अपनी सौदागरी को सूद बन पाती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता। इस एक आयत के साथ और इस ख्याल के साथ आज के पैगाम को अख्तिताम तक पहुंचाना चाहूँगा। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि रात को उसका चिराग नहीं बुझता। बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर भी चिराग जलाना, रोशनी का अहतमाम करना, अंधेरे में रोशनी का अहतमाम करना और घर को रोशन रखना, इसका जिक्र जब भी बाइबल मुकद्दस में मिलेगा वो ज़्यादातर बल्कि तकरीबन हर जगह पर औरत के साथ मंसूब है। यहूदी मुआशरा में जो घर में रोशनी का अहतमाम करना होता था, इसकी ज़िम्मेदारी खातून खाना औरत पर होती थी। और जो औरत ज़िम्मेदार होती थी, जो अक्लमंद होती थी, उसके पास हमेशा चिराग के लिए तेल वाफर मकदार में मौजूद होता था। हमें 10 कुंवारियों की मिसाल तमसील याद होगी, कितनी बहनों को 10 कुंवारियों की तमसील, उनमें से होशियार कितनी थी, अक्लमंद कितनी थी और बेवकूफ़ कितनी थी, और अक्लमंद कौन सी थी? जिनके पास तेल मौजूद था। और बेवकूफ़ कौन सी थी? जिनके पास तेल नहीं था। आज मैं आपको बताऊं कि अपने घर में ईमान के चिराग को रोशन रखना ये बहनों आपकी ज़िम्मेदारी है, ये एक मसीही ख़वातीन की मसीही खातून की ज़िम्मेदारी है। और ख़वातीन को एक आखिरी नसीहत फिर दोबारा करके कि अ बिलीवर बिजनेस वुमन ये जो कारोबारी ईमानदार औरत है, जो अपने घर में बैठ के एक ऐसा काम, एक ऐसा कारोबार करती है जिससे उसका घराना बरकत पाता, जिससे उसके मालो दौलत में इजाफा होता, ये एक मसीही घराने, मसीही मुआशरे और मसीही कलीसिया की खुशहाली का पहला कदम है, ये उसकी पहली कुंजी है। जब तक खातून को अपने घर में चीज़ें बनाने का, अपने घर को बेहतर बनाने का शौक नहीं होगा, तब तक वो घर बेहतर नहीं हो सकता। और घर बेहतर कब होगा? जब घर की आमदन बेहतर होगी। आज आपके लिए यह एहतमाम किया गया है, शालोम स्विंग सेंटर, जो सिलाई सेंटर है, शालोम सिलाई सेंटर, यह आपके लिए कायम किया गया है। इसको अब कामयाब बनाना आपके हाथ में है। चर्च की तरफ से, मिशन की तरफ से जो अहतमाम किया जा सकता था वो आपके लिए कर दिया गया है। सो इन दुआओं के साथ, इन नए ख्वाहिशात के साथ, पादरी साहब आपको और बहन जरीना जो यहाँ पे टीचर हैं और सारी कलीसिया को ये मुबारकबाद भी देना चाहूँगा इस इदारा के क़याम पर, और ये इस यकीन दहानी के साथ मिसेस आरफ जकील की जानब से कि हमारी मोहब्बत, हमारा तावन हमेशा आपके साथ है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हर एक सर झुक जाए, हर एक आँख बंद हो। कादर मुतरक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तुझे सजदा करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावंद तेरी दिव्य नेमतों और बरकतों के लिए,
तेरे इस फजल के लिए। क्या खुदावन तूने मुझे एक नई जिंदगी दी और बीमारी के बाद उठा खड़ा किया और एक दफ़ा फिर अपने इस घर में अपने लोगों के दरमियान ले आया। आज की सारी बड़ी बरकत के लिए खुदावन, इस सिलाई सेंटर के लिए जिसको आज हम तेरे फजल से शुरू करते हैं, आए खुदावंद इस सारी सोच के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। अपनी बहन अलवीना के लिए आए खुदावंद जिसने इसके लिए बड़ी मदद की, और तेरी खादमा में से सारा डैनियल जिसकी मेहनत और सोच, तेरे खादम पादरी आर्थर आए खुदावंद उसकी सारी तगोदो, और आए खुदावंद यहाँ की इंस्ट्रक्टर बहन जरीना के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आती हैं उनके लिए तेरी सलामती मांगते मिन्नत करते हैं। आए खुदावंद तेरा बरकत वाला हाथ हमेशा इस इदारा पर और यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करने वाली बहनों पर बेटियों पर हो। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवार को मुआफ़ करते हैं तो हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ। शालूम सलाई सेंटर, इसमें तरबियत हासिल करने वाली तमाम बहनों और बेटियों के साथ और कुल आलम मुकद्दसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। इससे पहले कि हम बाहर तशरीफ़ लेकर जाएं, चंद अहम बातें इसके इफ्तिताह से पहले मैं करना चाहता हूं आपसे। वो बहनें और बेटियां, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ नौजवान कंवारी बेटियां ही नहीं, बल्कि अगर आप उम्र में बड़ी हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप इस सिलाई सेंटर में दाखिला ले सकती हैं। दाखिले के लिए कोई फ़ीस नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि जब आप दाखिल हो जाते हैं तो उसके बाद छुट्टियां ना करें, क्योंकि जब आप छुट्टी करेंगे आपकी टीचर आपसे मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो वो आपको बताएंगी या दूसरों को पता होंगी आपको पता नहीं होंगी। इसके लिए एक हाजिर रजिस्टर बनाया गया है और मैं दरख्वास्त करूँगा टीचर हन्ना से और टीचर नशीन जो हमारी संडे स्कूल टीचर हैं कि वो बहन जरीना जो सिखाने वाली हैं उनकी मदद करेंगी। और आज वो बहनें और बेटियां जो इसमें दाखिला लेना चाहती हैं वो टीचर नशीन और टीचर हन्ना को या टीचर जरीना को अपना नाम लिखवाएं ताकि इस रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाए। बेटा ये दे दें यहाँ पर। और उसके साथ जो वक्त इसके लिए रखा गया है आप सबकी मुशावरत से और टीचर से मैंने जो बात की है तो वो वक्त 3:30 बजे का है। कितने बजे का? जुमा और हफ्ता 3:30 बजे आप यहाँ पर आएँ और 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपको जो स्टार्टिंग है उसमें वो टीचर बताएंगी कि किस तरह आपने इस काम को स्टार्ट करना है। और ये 2 दिन क्लास होगी हफ्ते में, कौन कौन से दिन होगी जी? ये 3:30 बजे का टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सी बहनों ने शाम को घर में खाना बनाना होता है तो 5:00 बजे से पहले आप अपने घर में होंगी और आप अपना खाना वगैरह बना सकेंगी। अगर हम 5:00 बजे का टाइम रखें तो एक तो अंधेरा हो जाता है और घर के काम करने होते हैं। 3:30 बजे का टाइम ठीक है बहने जी? ठीक है, खुदा बरकत दे आपको। और मेरी ये दरख्वास्त है कि बहन जरीना वो आपके इसी इलाका में से हैं, आप में से बहुत सी बहनें उन्हें पहले भी जानती हैं, लेकिन जब वो आपको सिखा रही हैं तो वो क्या होंगी? आपकी टीचर होंगी। तो टीचर की बात अच्छा स्टूडेंट जब मानता है तो वो तरक्की करता है, तो आप उन्हें बाजी भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बात मानेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, आप छुट्टियां करेंगे, आप वक्त पर नहीं आएंगे, या आप एक दिन आए, एक महीने में एक दफ़ा आए और एंड पे जब कोर्स ख़त्म हुआ तो कहा जी मैं तो आती रही हूँ, मुझे डिप्लोमा नहीं दिया गया, मुझे मेरा सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो ये हाज़िरी रजिस्टर में जो जो आज नाम लिखवाएगा उसकी हाज़िरी हर जुमा और हफ्ता के दिन 3:30 बजे दोपहर लगा करेगी। जो नहीं आएगा कोई उससे नाराज़ नहीं होगा, लेकिन बाद में आपने भी इस बात के लिए नाराज़ नहीं होना। मेरी ये दरख्वास्त है, पुरज़ोर अपील है तमाम बहनों से जो शादीशुदा हैं, जो गैर शादीशुदा बेटियां हैं, कि आप ज़रूर इस सिलाई सेंटर के अंदर आएं, सिलाई करना सीखें,
जब सब कुछ आपके लिए फ्री किया जा रहा है तो आपका काम यह है कि आप इस काम को सीखें। और जैसा आज बिशप साहब ने कलाम में से भी सिखाया कि आप जब सीखेंगे तो आप अपने ख़ानदान के लिए बरकत का बायस बनेंगे, आप अपने लिए बरकत का बायस बनेंगे। तो खुदावंद आपको बरकत दे। हम अपनी जगह पर खड़े होंगे, ज़बूर 23 की आखिरी आयत गाएंगे। इस दौरान खुदावंद के खादमीन वो चर्च से बाहर जाएंगे, ज़बूर 23 की आखिरी आयत गाकर आप भी बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद हम फीता काट कर सराय सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद जो रिफ़्रेशमेंट है उसमें शरीक होंगे, जो मिठाई मिसेस सारा डैनियल साहब लाई हैं शुक्रगुजारी के तौर पर, हम उसमें शरीक होंगे। रहम Yeah.
ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے۔ خداوند تیرے حضور میں آتے ہیں تیرے اس فضل کے لیے جو تو نے اس گاؤں 199 ہڑپا، یہاں کی کالونی گاسپل ٹاؤن ہڑپا کے لیے اور گاسپل بیپٹسٹ چرچ ہڑپا کی کلیسیا کے لیے ظاہر کیا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس کے وسیلہ سے تو ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں اور تیرے لوگوں کے لیے خدمت سر انجام دے سکیں۔ تیرے خادم پادری آرتھر کے لیے، اس کلیسیا کے بزرگوں کے لیے، اس کے ممبران کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خداوند بہن الوینا کے لیے اور اسی طرح سے اے خداوند آج یہاں پر ٹیچر، اے خداوند جو اس ساری ٹریننگ کو یقینی بناتی ہے، سسٹر زرینا کے لیے اے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خداوند اس وقت تیری خادمہ مسز سارا ڈینیل، تیرے خادم پادری پیٹر اور تیرے خادم پاسٹر آرتھر کے ساتھ مل کر اے خداوند اس شالوم سلائی سینٹر کو جہاں پر ہماری بہنیں اور بیٹیاں اے خداوند وہ سلائی کی تربیت حاصل کریں گے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے لیے۔ اے خداوند ان کو صحت تندرستی اور سلامتی بخشنا تاکہ وہ اس تربیت کو، اس ٹریننگ کو حاصل کر کے تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ ٹھہریں، اپنے گھرانہ کے لیے مفید ثابت ہوں اور اے خداوند ان کی اس ٹریننگ کے باعث ان کے گھرانے اور مسیحی قوم کو خوشحالی حاصل کریں۔ اے خداوند ہم سب جتنے یہاں پر موجود ہیں تیرا فضل مجھ سے مانگتے ہیں۔ اے خداوند میں تیرے لیے منت کرتا ہوں کہ تو گاسپل بیپٹسٹ چرچ کو اور گاسپل مشن پاکستان کو ایسے اور زیادہ منصوبے اے خداوند شروع کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور اس کے لیے ہمیں وسائل عطا فرمانا۔ تیری سلامتی ہم سبوں کے ساتھ ہوں، یہ دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔